वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज इंडियन फाइनेंशियल्स मार्केट एंड सर्विसेज IFMS यूनिट 3 के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है लीजिंग। सबसे पहले हमें समझना है कि लीजिंग होता क्या है। लीज मे बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट और ट्रांजेक्शन इन विच ए पार्टी ओविंग एन असेट्स नोन एज ए लेसर प्रोवाइड द असेट्स फॉर यूज टू अनदर ट्रांसफर द राइट टू यूज इक्विपमेंट टू द यूजर लेसी ओवर ए सर्टेन फॉर ए एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ पीरियडिकल पेमेंट नोन एज ए रेंट विद और विदाउट फर्दर पेमेंट प्रीमियम एट द एंड ऑफ द पीरियड कॉन्ट्रैक्ट लीज पीरियड द असेस्ड इक्विपमेंट रिवर्ट बैक टू द लेसर अनलेस देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जो मैंने सेंटेंस पढ़ा ये आपको लीजिंग के सारे फीचर्स को बताता है कि लीजिंग जो होता है एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है दो पार्टी के बीच में। वो पार्टी जिसकी वो असेट्स होती है उसको लेसर बोलते हैं और वो पार्टी जो उस असेट्स को यूज़ करने के लिए एक रेंटल के बदले में लेता है उसको लेसी बोलते हैं और वो जो रेंटल पे करता है उसको हम रेंट उसको लीज रेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो लीज पीरियड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्पेसिफाइड होता है लीज़ के अंदर। तो ये जो एग्रीमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका लीज़ का कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, लीज़ के टाइप्स और लीजिंग क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लीजिंग को समझा कि लीजिंग क्या होती है, उसके अंदर पार्टी इन्वॉल्व कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीजिंग को समझते हैं। पहला पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी पार्टी करती है। देयर आर एसेंशियली टू पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग, कि लीज फाइनेंसिंग के अंदर दो पार्टी होती हैं, ओनर एंड द यूज़र कॉल्ड रेस्पेक्टिवली लेसर एंड लेसी। ओनर जो असेट्स का होता है उसको लेसर बोलते हैं और जो असेट्स को यूज़ करता है उसको लेसी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जो लेसर और लेसी होते हैं वो इंडिविजुअली हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है और कॉरपोरेशन भी हो सकती है और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे असेट्स की। असेट्स क्या होता है, असेट्स की नेचर क्या होता है। असेट्स में भी ए ऑटोमोबाइल प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग फैक्ट्री रनिंग बिजनेस एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी असेट्स हो सकता है। ओनरशिप की बात करें सेपरेट फ्रॉम यूजर्स, द असेंस ऑफ लीज फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ड्यूरिंग द लीज टेन्योर ओनरशिप ऑफ द असेट्स वेस्ट विद द लेसर, कि जो असेट्स का यूज़ करने वाला होता है उसको लेसी बोलते हैं और जिसकी वो असेट्स होती है उसको लेसर बोलते हैं। तो जो ओनरशिप सेपरेट रहती है लेसर की, ठीक है ना, लेसर ही उस पर ओनरशिप रखता है और लेसी कुछ टाइम के लिए असेट्स को देता है। टर्म और लीज की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो लीजिंग पीरियड जो होता है टाइप ऑफ लीज के बेसिस पर जैसे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज होती है। तो जैसे हम देखें द टर्म्स ऑफ लीज इस पीरियड फॉर विच एग्रीमेंट ऑफ लीज रिमेन इन ऑपरेशन, कि जिस टाइम के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ लीज बोलते हैं। एवरी लीज शुड बी ए डिफाइंड पीरियड अदरवाइज इट विल बी लीगली इम ऑपरेटिव, कि हर लीज का टाइम क्या होता है, डिफाइन होता है। द लीज पीरियड में सम टाइम स्ट्रेच ओवर द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स, कि जब एंटायर लाइफ के लिए हम क्या करते हैं लीज़ को लीज टर्म को रखते हैं तो फाइनेंस लीज कहलाती है, और उससे कम टाइम के लिए रखते हैं शॉर्टर दैन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखें दूसरा डिफरेंस क्या था, लीज में भी परपेचुअल विद ए ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज पीरियड टू रिन्यू द लीज फॉर ए फर्दर स्पेसिफिक पीरियड, कि लीज पीरियड को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। जो टर्म्स ऑफ लीज रहता है वो डिपेंड करता है जो आपका लेसर और लेसी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनको बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। लीज रेंटल की हम बात करें तो लेसर जो रहता है जो असेट्स को किराए पर देता है और लेसी जो उसको किराए पर लेता है, तो जो वो बदले में किराया देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीज रेंट बोलते हैं। तो द कंसिडरेशन विच द लेसी पे टू द लेसर फॉर द लीज ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज ए लीज रेंटल। मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज की बात करें कि लीज का जो एग्रीमेंट होता है या उसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द लीज इज टर्मिनेटेड एंड वेरियस कोर्स आर पॉसिबल। द लीज इज रिन्यू ऑन द, जैसे हमने देखा था लीज को हम रिन्यू कर सकते हैं, असेट्स को रिवर्ट बैक कर सकते हैं यदि हमें लीज को रिन्यू नहीं करना है तो, और असेट्स रिवर्ट बैक के साथ साथ लेसर क्या कर सकता है, उस असेट्स को थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकता है। और जो लेसर सेल करता है किसी असेट्स को यदि लेसी को,
तो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बेस्ड रहता है। तो ये क्या था आपका, ये था मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज़ की, लीज़ को किस किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फीचर्स पर है लीज़ के, दूसरा हमें लीज़ के साथ साथ क्या समझना है, लीज़ के टाइप्स कौन से हैं। जैसे कि आपने देखा कि लीज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आप देखें लीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज़। जैसे मैं थोड़ी देर पहले टाइम के बेस पर पढ़ा था कि एंटायर लाइफ ऑफ द असेट्स का जो मैक्सिमम पीरियड कवर होता है फाइनेंस लीज के अंदर होता है, और शॉर्टर पीरियड जो रहता है फाइनेंस लीज से उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। ऐसे ही हम वन बाय वन असेट्स लीज के टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे आप देखें फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज के बारे में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम बात करें तो IAS आ गए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे IAS, यहाँ पे क्या है, IAS है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो बता रहा है 17 IAS है, वो बता रहा है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समझेंगे किसको, फाइनेंस लीज को, देन हम सेकंड समझेंगे किसको, ओनर आपको, सेकंड कौन सी है बोलो, ऑपरेटिंग लीज को हम समझेंगे। तो पहले हम फाइनेंस लीज की बात करें कि अदर देन जो आपका फाइनेंस लीज होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ऑपरेटिंग लीज की ही डेफिनेशन है कि जो एग्रीमेंट अदर देन फाइनेंस लीज होता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। जैसे हमने फाइनेंस लीज में बात की थी कि जो लीज का जो टर्म रहता है एंटायर लाइफ ऑफ द असेट्स रहता है फाइनेंस लीज में, जबकि ऑपरेटिंग लीज में पीरियड क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। तो ये जो रहा आपका अदर देन आपका फाइनेंस लीज रहा है तो ये कहलाएगा ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बेसिस हैं, आप फाइनेंस लीज के बेसिस याद कर लो, और यदि वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा। वही आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनके अकॉर्डिंग लीज़ को आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि लीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो लीज़ होता है लीज़ के कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और लीज़ के टाइप देखेंगे। जैसे हमने देखा था ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज, ऐसे होता है आपका सेल्स एंड लीज बैक डायरेक्ट लीज, ठीक है ना, वो फिर होता है आपका सिंगल इन्वेस्टर लीज और लिवर्ड लीज। लिवर लीज क्या होती है ये भी हम एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। फिर है डोमेस्टिक लीज और इंटरनेशनल लीज, और फिर है आपका फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लीजिंग और बोरिंग में डिफरेंस। तो यहाँ पे पहले हम लीज़ के वन बाय वन टाइप को समझते हुए चलते हैं। जैसे कि आपने देखा था डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज, वो लीज़ जो डोमेस्टिक नीड्स को पूरी करती है, इन हाउस अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक लीज बोलते हैं। इंटरनेशनल लीज वो रहती है जो डोमेसाइल नीड्स को पूरी नहीं कर होती, जहाँ डोमेसाइल नीड्स पूरी नहीं हो पाती, हमें इंटरनेशनल लेवल पर उन नीड्स को पूरा करना पड़ता है, तो उसको इंटरनेशनल लीज बोलते हैं। इंटरनेशनल लीज को भी हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है इम्पोर्ट लीज और क्रॉस बॉर्डर लीज। इम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, हम क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वो चीज़ें क्या करते हैं, परचेज करते हैं, इम्पोर्ट लीज कहलाता है, ठीक है ना। इम्पोर्ट लीज और क्रॉस बॉर्डर का मिक्स जो है वो इम्पोर्ट क्रॉस बॉर्डर लीज कहलाता है, यदि हम दूसरे कंट्री से कुछ चीज़ें क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और खाली इम्पोर्ट लीज की बात करें, इन्हें इम्पोर्ट लीज द लेसर एंड लेसी आर डोमिसाइल इन द सेम कंट्री, इसके अंदर लेसी और लेसर दोनों सेम कंट्री में होते हैं, जबकि जो क्रॉस बॉर्डर लीज की हम सेपरेटली बात करते हैं तो लेसर और लेसी क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्री के होते हैं। तो ये रही आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीज। फिर हम बात करेंगे कौन सी, सिंगल इन्वेस्टर लीज और लिवरेज लीज। सिंगल इन्वेस्टर नेम से क्लियर है, सिंगल का मतलब ये हुआ जहाँ लीज के अंदर टू पार्टी हों, और लिवरेज लीज का मतलब है जहाँ टू पार्टीज़ के अलावा एक पार्टी और आ जाती है जिसको हम लेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो थर्ड पार्टी आती है उसका रोल क्या होता है। सिंगल इन्वेस्टर लीज हर लीज सिंगल इन्वेस्टर लीज कहलाती है, और लिवरेज लीज में एक पार्टी और आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, उसको हम बोलते हैं लेंडर, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टी के बेस पर। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन लिवरेज लीज टाइप ऑफ लीज द लीजिंग कंपनी इक्विटी इन्वेस्टर बाय द असेस थ्रू सब्सटेंशियल बोरोइंग, द लेंडर लोन पार्टिसिपेंट ऑब्टेन ए असाइनमेंट ऑफ द लीज, ए फर्स्ट मॉर्गेज असेस्ट ऑन द लीज असेस्ट, द ट्रांजेक्शन इज रूटेड थ्रू ट्रस्टी हु लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ लेंडर एंड लेसर। कि जो आपकी लिवरेज लीज होती है उसके अंदर
मोर देन टू पार्टीज आती हैं, जो थर्ड पार्टी होती है वो लेंडर कहलाती है, जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करते हैं। बस ये दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे टू पार्टी थी, यहाँ पे थ्री पार्टी थी। फिर हम बात करेंगे किसकी, सेल्स और लीज बैक, ठीक है ना। सेल्स एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज, पहले सेल्स एंड लीज बैक से नेम से क्लियर है। ये आपकी इनडायरेक्ट लीज मानी जाती है, वैसे होना तो नाम क्या चाहिए था, इनडायरेक्ट लीज और डायरेक्ट लीज। तो सेल्स और लीज बैक की आपने क्या किया, इसके अंदर आपने किसी एसेट्स को किराए पर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस लीज के अंदर क्या होता है कि हम किसी एसेट्स को किराए पर देते हैं, बाद में उसको हम सेल मान लेते हैं, तो क्या कहलाती है आपकी, सेल्स एंड लीज बैक। इसको इनडायरेक्ट लीज बोलते हैं। डायरेक्ट लीज के अंदर वो जो एसेट्स होती है वो वापस आ जाती है। इसके भी टाइप होते हैं, है ना, बी पार्टी लीज और थ्री पार्टी लीज। बी पार्टी लीज क्या होती है, जहाँ दो पार्टी होती हैं, और थ्री पार्टी लीज क्या होती है, जहाँ थ्री पार्टी होती हैं। यहाँ लेसर और लेसी के अलावा इक्विपमेंट सप्लायर भी आ जाता है। तो इक्विपमेंट सप्लायर जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लीज बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उस ट्रांजेक्शन को पूरा कर रहा है। जब वो नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स या लीज बैक बोलते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज होती है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीज, जैसे मान लीजिए असेट्स का जो टेन्योर है वो उसकी एंटायर लाइफ को पूरा करता है तो ऑपरेटिंग लीज होता है, वो नहीं करता तो फाइनेंस लीज होता है। इसके अलावा जो असेट्स की फेयर वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। और असेट्स यदि लीज टेन्योर पूरा होने के बाद उसकी ओनरशिप रिमेन विद लेसर रहती है, तो उसके बेस पर भी हम ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज को समझते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज को डिफरेंस करने से पहले मैं आपको दोनों में जो मेन पॉइंट है उनको समझा देता हूँ। जैसे हैं, सबसे पहले अपनी कौन सी, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन फाइनेंस लीज द लेसर ट्रांसफर द लेसी सब्सटेंशली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ द असेट्स वेदर और नॉट टाइटल इज इवेंचुअली ट्रांसफर। किसके अंदर वो असेट्स को पूरे तरीके से किसको, लेसर लेसी को ट्रांसफ़र कर देता है, और रिस्क भी उसके साथ एसोसिएटेड जो थी वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमने ये बोला था कि असेट्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है फाइनेंस लीज के अंदर, जो भी ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये नहीं होता है। इसके अलावा हम देखें, इन सच लीज द लेसर इज़ ओनली ए फाइनेंसर इज़ यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन असेट्स। यहाँ पे लेसर फाइनेंसर होता है जबकि वहाँ पे फाइनेंसर नहीं होता ऑपरेटिंग लीज में। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, वो फाइनेंसर होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता असेट्स के साथ। उसका इंटरेस्ट किस पे होता है, लीज आर ऑल्सो कॉल्ड फुल पे आउट लीज भी कहलाती है। जो आपकी लीज होती है, दे अनेबल ए लेसर टू रिकवर हिज इन्वेस्टमेंट इन द लीज एंड डिवाइज ए प्रॉफिट टाइप्स ऑफ असेट्स। आपने देखा होगा कि जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, रेलवे वैगन हैं, लैंड बिल्डिंग है, इस तरीके के जो हैवी मशीनरी होती है वहाँ पे हम फाइनेंस लीज को पढ़ते हैं। उसका मतलब है जो आपकी ऑपरेटिंग लीज है वहाँ पे इस नेचर ऑफ असेट्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इन बेस पर हम ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जो चीज़ें अदर देन फाइनेंस लीज है वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। सिलेबस के हिसाब से हमें फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज ही समझना है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीज है वो हमने एडिशनली समझा है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को ही आगे समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।